हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे जलेबी। बहुत ही इजी रेसिपी है और आप घर में ही 10-15 मिनट में बिल्कुल बाजार जैसी जलेबी बना सकते हैं, वो भी घर के बेसिक सामान से। तो चलिए बनाते हैं। एक बोल में हम आधा कप मैदा, 1 टेबलस्पून चावल का आटा डालेंगे। चावल के आटे से जलेबी क्रिस्पी बनेगी। इसमें 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। दही थोड़ा खट्टा लें। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी आप एक साथ नहीं डालें, नहीं तो बैटर पतला हो सकता है। और बैटर हमें सेमी कंसिस्टेंसी का बनाना है, ना तो बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हम फेटेंगे। और फेटने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। तो आपके पास जो भी फूड कलर हो, चाहे वो लिक्विड हो या पाउडर वाला हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कलर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमें इतनी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। और अब हम इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसके बाद अब हम चाशनी बनाएंगे। एक पैन में हम 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी डालेंगे। चीनी और पानी का रेशो 2:1 का होना चाहिए, मतलब जितनी चीनी है उसके आधी क्वांटिटी में पानी डालें। इसको हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक चीनी पिघल ना जाए। और जैसे ही चीनी पिघल जाए, फ्लेम लो कर दें और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। 1 तार की चाशनी बनने में थोड़ी सी कसर रह जाए, बस तब तक ही हम इसको पकाएंगे। और ये तैयार हो गई है। गैस ऑफ कर देंगे और इसको ढककर रख देंगे। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जलेबी हम कैसे बनाएं, इसके लिए मैं आपको 2-3 ऑप्शंस बताऊंगी। आपके पास कोई भी प्लास्टिक की सॉस बॉटल हो या ऑयल डिस्पेंसर, उससे आप जलेबी बना सकते हैं। ये मैंने एक सॉस बॉटल ली है। इसमें हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे और इसको बंद कर देंगे। जलेबी के लिए आप प्लास्टिक का ऐसा कोई भी कोन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम एक ग्लास लेंगे और कोन को हम ऐसे ग्लास में लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से फैला देंगे ताकि बैटर अच्छे से कोन में भर जाए। फिर इसमें हम बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे और कोन को आप 1/2 या 1/2 से थोड़ा ज़्यादा भरें, इसको पूरा नहीं भरें। अब हम इसको ग्लास में से निकाल लेंगे और ऊपर एक रबड़ बैंड लगा लेंगे। और जब हम जलेबी बनाएंगे तो इस कोन को आगे से छोटा सा कट लगा लें और जलेबी बना लें। और आपके पास अगर प्लास्टिक का कोन भी नहीं हो, तो कोई भी दूध का पैकेट हो या कोई भी प्लास्टिक का पैकेट हो, उससे भी आप जलेबी बना सकते हैं। इसको दूध के पैकेट को अच्छे से साफ कर लें और इसी तरह ग्लास में लगाकर इसमें बैटर भर के हम इसको ग्लास में से निकालेंगे और रबड़ बैंड लगा लेंगे। जलेबी बनाते टाइम आगे से छोटा सा कट लगा लेंगे। तो आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन सही लगे, उससे जलेबी बना सकते हैं। अब जलेबी फ्राई करने के लिए हम एक चौड़ा पैन या कढ़ाई में तेल या घी गरम करेंगे, जिसमें भी आप जलेबी बनाना चाहें। तेल या घी बहुत ज़्यादा गरम ना करें, हम मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। तेल गरम होने के बाद हम फ्लेम लो कर देंगे और इस तरह हम थोड़ा सा बॉटल को प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाते हुए जलेबी बनाते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे और फिर उसके बाद सेंटर में ऐसे बंद कर देंगे। तो बस आप ये ध्यान रखें कि तेल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा।
तेल अगर ठंडा होगा तो जलेबी फ्लैट बनेगी और चाशनी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और तेल अगर आपने बहुत गर्म करा है तो वो अच्छे से शेप नहीं लेंगी और तेल में फैलने लगेंगी। तो इसलिए ना तो तेल आप बहुत ज़्यादा गर्म रखें ना ही बहुत ठंडा, मीडियम हीट पे हमें जलेबी बनानी है। और अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक साइड से फ्राई होने के बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएं, इसको हम तेल में से निकाल कर जो हमने चाशनी बना के रखी है उसमें तुरंत डाल देंगे। और चाशनी अगर हल्की सी ठंडी हो जाए तो आप इसको हल्का सा गर्म कर लें, या फिर आप जब चाशनी बनाएं तब उसमें आप 5-6 ड्रॉप्स नींबू के रस की डाल दें। इससे चाशनी जमेगी नहीं। इनको हमें बस 1-2 मिनट ही चाशनी में रखना है, 2 मिनट से ज़्यादा आप चाशनी में नहीं रखें। और इसी तरह हम कोन से भी जलेबी बना सकते हैं। तो ये देखिए, फ्लेम लो कर देंगे जब हम जलेबी बनाएंगे, और हम लो फ्लेम पे इस तरीके से ऐसे कोन को हल्का सा प्रेस करें और गोल गोल घुमाते हुए जलेबी बनाते जाएं। तो जो भी ऑप्शन आपको आसान लगे उससे आप जलेबी बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि जलेबी जब आप शेप दें तब फ्लेम लो कर दें और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे जलेबी बना लें। चाशनी में डाले हुए 2 मिनट हो गए हैं और अब हम चाशनी में से जलेबियों को निकाल लेंगे और ये हमारी क्रिस्पी और रस से भरी जलेबियाँ बनके तैयार हैं। आप ये जलेबी बना के ज़रूर देखें और ट्राई करने के बाद अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।